हमारे बीच में आवे। तो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैदानी अध्यक्ष जी का पुनः अभिनंदन और स्वागत। ये वही पुखरा कला गांव है जहां पर स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा अपने द्वारा मजमा लगाया करते थे, लेकिन कौन जानता था कि उनके लिए ये मजमा लगेगा। भीड़ तो होगी लेकिन वो नहीं होंगे। वो फिलहाल वो कितने लोकप्रिय हैं ये भीड़ साबित कर रही है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि उनकी प्रथम पुण्यतिथि है जिसपे मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रखा गया है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद यहां पर पहुंच रहे हैं और इस समय नरेश उत्तम पटेल जो जिला अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो आगे आकर के जरा सा कवर करें और इस मंच पर दिखाएं कि इस मंच पर आज जो है बहुत सारे लोग यहां नेता आए हुए हैं, जिनमें एक तरफ से सारे नेता बैठे हुए हैं, राजपाल कश्यप हैं और यहाँ पर आनंद भदौरिया हैं और यहीं पर MLC जासमीर अंसारी हैं और इसके अलावा दूसरी तरफ विधायक अनिल वर्मा हैं, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू हैं, दूसरी तरफ पूर्व मंत्री रामहित भारती हैं, फिर पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी हैं, उनके बगल में पूर्व विधायक जो है अनूप गुप्ता हैं और उनसे जस्ट बगल में निवर्तमान जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव। और देखिए सभा को संबोधित कर रहे हैं नरेंद्र सिंह वर्मा और पीछे पंक्ति में भी तमाम नेता बैठे हुए हैं, समीम कौशल सिद्दीकी हैं, दूसरी तरफ जो है राकेश राठौर हैं और मुख्तार अनीस के बेटे भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं और प्रमोद वर्मा। आज दो चेहरे ऐसे हैं जिनको लेकर के बहुत सारे जो लोग जानना चाह रहे हैं, जो प्रमोद वर्मा हैं, मास्टर प्रमोद वर्मा जो दो बार भारतीय जनता पार्टी से लहरपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, वो पीछे बैठे हुए जहीर अब्बास के बगल में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक और आज की जो वो है उसमें रामपाल यादव भी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है सचिन जायसवाल जो सीतापुर नगर के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल के बेटे हैं वो भी मंच पर नज़र आ रहे हैं और उनके नरेंद्र सिंह महेंद्र सिंह वर्मा के सहपाठी भी अब से कुछ ही देर पहले सभा को संबोधित कर चुके हैं। तो कुछ देर बाद यहाँ पर मूर्ति का जो है स्थापना का कार्यक्रम है और स्वयं मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है करेंगे आकर के मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम। ये वही ग्राउंड है, ये वही स्थान है विद्यालय जहां पर महेंद्र सिंह वर्मा ने ही स्थापित किया था। और दिखाना चाहेंगे जरा सा भीड़ दिखाएं, कैमरामैन से कहूंगा कि ये भीड़ उनके आई हुई है और वो कितने लोकप्रिय थे महेंद्र सिंह वर्मा, ये किसी से छिपा नहीं है। वो स्वयं तो एक ही चुनाव लड़े लोकसभा का, बाकी अपने भाई छोटे भाई यानी नरेंद्र सिंह वर्मा को 6 बार विधायक बनाने का उन्होंने काम किया, जो मंत्री भी रहे हैं। और इसके अलावा स्वयं महेंद्र सिंह वर्मा जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं और वो हर चुनाव में जो गांव के छोटे मोटे चुनाव होते हैं, कोऑपरेटिव चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव हो, उनमें उनकी बहुत ही ज़्यादा महत्ता रहती थी और उसके बलबूते पर वो हमेशा से ही वो चुनाव जीतते आते थे। ये माना जाता था कि जिला पंचायत वो किंग मेकर थे, तो कोऑपरेटिव के चुनाव हों या गन्ना समितियों के चुनाव हों, उन सब में महेंद्र सिंह वर्मा का ही दबदबा रहता था और उनकी सीतापुर ही नहीं आसपास के जितने भी जनपद हैं, अगर बात करें सीतापुर से सटे हुए, वो लखीमपुर खीरी हो, उन्नाव हो, हरदोई हो, बहराइच हो, गोंडा हो, अंबेडकर नगर हो, शाहजहाँपुर हो, यहाँ भी महेंद्र सिंह वर्मा के चाहने वाले लोग थे और वो साबित भी कर रहा है कि उनके मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं ये प्रथम पुण्यतिथि पर महेंद्र सिंह वर्मा के आए हुए लोग ये साबित कर रहे हैं कि वाकई में महेंद्र सिंह वर्मा इतने बड़े कद के नेता थे कि उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो आ ही रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आ चुके हैं और ये सारे जिले के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी इसी मंच पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं।
तो ये महेंद्र सिंह वर्मा की ही धमक की कमाल कहें या उनकी जो पहचान थी या उनके किए गए कार्य थे जिसको लेकर आज याद किए जा रहे हैं। देखिए महेंद्र सिंह वर्मा पर आज एक पुस्तक जो लिखी गई है उसका भी विमोचन होने जा रहा है। तो ये सारे नेता, देखिए सारे नेता जो मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, आज के इस मंच पर दो नेताओं की सनसनी है। वो फिर एक बार बता दें, आज जो है रामपाल यादव घर वापसी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है मास्टर जो है प्रमोद वर्मा वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज झटका भी है और ये माना जा रहा है इस मंच के जरिए समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव का संदेश भी देगी। और आज कुछ ही देर बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं जो पुस्तक लिखी गई है महेंद्र सिंह वर्मा पर, उस पुस्तक का विमोचन करते हुए जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अग्रिम पंक्ति में जितने नेता हैं वो सारे लोग आज आपको नज़र आ रहे हैं और ये पुस्तक डॉक्टर राधे श्याम ने लिखा हुआ है और उस पुस्तक का विमोचन करते हुए एक तरफ जो है फ़ोटो अखिलेश यादव की लगी हुई है, दूसरी तरफ जो है महेंद्र वर्मा की फ़ोटो है, उसका विमोचन करते हुए सारे नेतागण एक अगली पंक्ति में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस मंच पर आज जहाँ 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज़ भी होगा इसी मंच से, वहीं आज कुछ पार्टी में लोगों को शामिल भी किया जाएगा और कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव यहां पहुंचेंगे और फिर एक बार दिखाएंगे उनके परिवार के लोग एक तरफ बैठे हुए हैं और गमगीन माहौल में हैं। आज निश्चित तौर पर सबसे बड़ा आज के गमगीन का माहौल है, ऐसे अवसर किसी के लिए न पड़ें और ये अवसर ऐसा है कि लोग आए तो ज़रूर हैं, उनको याद कर रहे हैं। दादा के नाम से महेंद्र सिंह वर्मा प्रसिद्ध हुआ करते थे और उनकी एक अपनी एक अलग पहचान होती थी, वो जिसके होते थे उसके लिए हमेशा खड़े रहते थे। उनकी यही पहचान जिले में कायम थी और राजनीति के क्षेत्र में भी वो एकंगा माने जाते थे, जिसके लिए रहते थे ये माना जाता था कि उनके लिए ही उनकी पहचान होती थी। तो फिलहाल हम आपको अखिलेश यादव जब पहुंचेंगे तो वो क्षण भी दिखाएंगे और यहां से हर एक तस्वीर आज आपको पहुंचाने का काम करेंगे। आप देखते रहिए आई इंडिया, सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा और सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।